नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आपको इस वीडियो में बताऊंगा सोलो माइक्रोवेव के बारे में। ये जो माइक्रोवेव है आईएबी का सोलो माइक्रोवेव है, जो कि बहुत ही छोटा है, यानी स्मॉलेस्ट है। मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर कम साइज में सोलो माइक्रोवेव परचेज करना चाहते हो तो ये माइक्रोवेव आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इसका डायमेंशन मैं मेज़र करके दिखाया हूँ वीडियो में। जो रोटेटिंग प्लेट है उसका भी डायमेंशन मैंने मेज़र करके दिखाया है। उससे क्या पता चलता है कि आप इस माइक्रोवेव में मैक्सिमम कितने साइज का पॉट रख सकते हो, यानी कितने डायमीटर का जो आपके घर में बर्तन है आप रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, वो भी क्वेरी आपका सॉल्व हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको क्या अच्छा लगा, आपका क्या क्वेरी है जो कि मैंने नहीं बताया है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि उसका रिप्लाई मैं आपको दे सकूं। और यदि आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये माइक्रोवेव है, इसका जो मॉडल नंबर है यह है 17PM ME C1। कैपेसिटी है 17 लीटर और कलर वाइट है, कुकिंग मेनू 3 है और इसका जो कैविटी है ये पाउडर कोटिंग है। तो दोस्तों, अब आगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। अभी ये कॉम्पैक्ट साइज़ है और 1200 वाट का है। इसका जो मैग्नेटोन वारंटी है 3 ईयर्स का है और कैविटी पे भी 3 ईयर्स की वारंटी है, टोटल वारंटी 1 ईयर है। अब आइए इसके लुक के बारे में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा शानदार लुक है इसका। और इसके जो नॉब है, इसमें सिर्फ 2 नॉब है, यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी है। एक है जो कि टाइमर है और दूसरा पावर लेवल है। जैसे कि पावर लेवल आप अलग अलग कुकिंग के हिसाब से सेट कर सकते हो, उसी तरह से टाइमर सेट कर सकते हो। अब देखिए, ये नज़दीक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वाला जो है ये पावर लेवल, पावर का जो नॉब है ये, और नीचे टाइमर का है। अब देख लीजिए, ये पावर लेवल वाले में लो, डेफ्रॉस्ट, मीडियम लो, मीडियम, मीडियम हाई, हाई, यानी कि आप अलग अलग पावर लेवल पे कुक कर सकते हो, हीट कर सकते हो। अब ये टाइमर है, 1 मिनट से 30 मिनट तक का टाइमिंग दिया हुआ है, अलग अलग रेसिपी के हिसाब से आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑटो कुकिंग दिया हुआ है, लाइक राइस 200 ग्राम है तो उसके लिए टाइमिंग 8 से 10 मिनट का है, और आपको पावर लेवल कैसे रखना है कुकिंग या हीटिंग के लिए वो भी दिया है, प्लस फिश के लिए, वेजिटेबल के लिए, सब के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 साल की जो मैग्नेटोन वारंटी है उसका स्टिकर लगा हुआ है, 5 पावर लेवल, और ये नीचे रजिस्टर करने के लिए दिया हुआ कि आप कुकिंग क्लास रजिस्टर भी कर सकते हो फ्री में। ये देखिए इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर का मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्पेस। ये जो स्पेस है यहाँ पे देखिए कि आप कितने साइज तक का पॉट रख सकते हो। यहाँ पे ये जो रोटेटिंग प्लेट है इसका डायमीटर क्या है मैं मेज़र करके दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको इसका मेज़रमेंट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 23 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 इंच है। अब देखिए 10 इंच तक का पॉट, 10 इंच तक का जो डायमीटर है वो पॉट रख सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो वेड्थ है लेफ्ट टू राइट, ये है 18 इंचेस। आइए मैं आपको, ये देखिए आप देख सकते हो 18 इंच का जगह रहेगा तो आप यहाँ पे ये माइक्रोवेव रख सकते हो। और डेप्थ जो है फ्रंट टू बैक है ये है 13 इंचेस, यानी 13 इंच का आपका अगर स्पेस है फ्रंट टू बैक रैक का तो आप रख सकते हो। आप 1 आधा इंच अगर एक्स्ट्रा जगह है तो और अच्छा है, लेकिन यदि कंजेस्टेड है, कम जगह है, तो 13 इंच ये माइक्रोवेव का डायमेंशन है। आप ये देख कर चलिए, आपके यहाँ पे 13 इंच का डेप्थ होना चाहिए। अब ये हाइट देखिए 10 इंच का हाइट है, ये जो हाइट है 10 इंच, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा जगह चाहिए क्योंकि वेंटिलेशन ऊपर दिया है हॉट एयर के लिए, थोड़ा सा जगह चाहिए बस। अब इसके पीछे का जो आपका एक वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये प्लग, जो प्लग पॉइंट होना चाहिए वो 15 एम्पियर का है इसका ये सॉकेट, तो अगर छोटा वाला है तो उसके अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए ये ध्यान रखिए 15 एम्पियर पे ये चलता है, इसका जो पॉइंट है ये 15 एम्पियर का है। तो दोस्तों, अगर मैंने किसी पॉइंट पे बात नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी लिखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।